अस्सलामुअलैकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम के सपनों की दुनिया। आप सब तो समझ ही गए होंगे आज हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन ये रेसिपी मेरी सिस्टर इन लॉ की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं। उसके लिए हमने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं और उसको 70-80% हमने पका लिए हैं और बड़े से बर्तन रखे हैं गैस पे और उसमें हमने ऑयल डाले हैं। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हम प्याज को डालेंगे, उसको अच्छे से घुमा लेंगे। फिर उसमें हम खड़े गरम मसाले डालेंगे, इलायची, काली मिरी, लवंग और तेज पत्ता। उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने यहाँ पे सॉल्ट डाले हैं ताकि हमारी प्याज यहाँ पे जल्दी गल जाए। इसके लिए फिर हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको घुमा लेंगे, उसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम उसमें टमाटो को ऐड करेंगे और धनिया पाउडर को ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर और बिरयानी मसाला और हल्दी पाउडर को हम यहाँ पे डाल। फिर इसमें हम दही डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे, ये हमने 2.5 चम्मच डाले हैं और हमने हरी मिर्ची डाली है और नमक डालेंगे हम इसमें और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आपके पे डिपेंड है कि आप तीखा कितना खाते हो, आप अपने हिसाब से रेड चिली पाउडर डाल सकते हो। फिर अब इसमें हमने आलू को डाल दिए हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हमने लेमन जूस को डाले हैं। और फ्रेंड्स, उसको हमको धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए रखना है। 10 मिनट के बाद देखो हमारा मसाला भून चुका है, उसको हम घुमा लेंगे। देखो हमारा आलू भी गल चुका है। उसके बाद हमने चिकन को ये मैरिनेट करके रखे थे तो उसमें हम ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से हम भून लेंगे मसाले में। अब हमको जो हमने बॉईल करके राइस रखे थे उसको अभी हमको उसमें डालना है। सारी तरफ हमको फैला देंगे इसको। ऊपर से हमको कोथमीर और पुदीना डालना है। देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। फिर उसमें हम टोमेटो रेड फूड कलर को डालेंगे और ग्रीन फूड कलर को उसमें डालेंगे। एक साइड रेड कलर डालना है, एक साइड ग्रीन कलर डालना है और उसको अभी हम 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे रख देंगे। और देखो फ्रेंड्स, साथ में हमने ये सलाद बनाया है। आफ्टर 15 मिनट्स के बाद देखो माशाल्लाह बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बिरयानी आपको कैसी लगी। Thank you for watching.